नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एज अ मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है बेबी हेयर ऑयल के बारे में। हिमालय का जो अभी नया लॉन्च हुआ है बेबी हेयर ऑयल, वो कैसा है और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा, और ये बच्चे को सूट करता भी है कि नहीं करता, इस उसकी बच्चों की हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है कि नहीं करता, सारे के सारे रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो इसकी नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हिमालय का बेबी हेयर ऑयल उन्होंने लॉन्च किया अभी कुछ टाइम पहले ही किया है, और ये मैंने अभी परचेज किया है। मैं इसको बेबी कब भी मेरी बॉर्न हुई थी तब से मैं इस हेयर ऑयल को यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो नारियल का जो तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी बढ़िया रहता है, पर इसमें भी नारियल का ऑयल है। मैं इसके बारे में सारा कुछ आपको बताऊँगी। ये जो हेयर ऑयल है ये आपके बच्चे के बालों को नरिश करता है, उन्हें पोषण देता है और बच्चे के हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर है आंवला, आंवला है, भृंगराज है और मेथी है इसके अंदर, देन इसके अंदर अमालकी है। जो मेथी होती है, मेथी जो होती है बालों को के ग्रोथ करने में मदद करती है, बालों को बढ़ाने में मदद करती है। और जो आंवला होता है, आंवला आप बच्चे के बालों को काला करता है, घना करता है। और जो भृंगराज है, जिसके अंदर भृंगराज ऑयल पड़ा हुआ है, वो बालों को हैवी करता है और उसे घना करता है, मतलब एक बाउंसी बाल होते हैं ना वो करता है। इसके अलावा इसमें बादाम का तेल है, नारियल का तेल है और अमालकी है, ये सब चीज़ें हैं। ये जो बालों को चमकदार बनाती है, शाइनी बनाती हैं। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, और ये मेन बात, ये अच्छी बात है कि ये ना बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। देखिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर देखिए इस तरह का उन्होंने छेद टाइप का दे रखा हुआ है, जिससे कि कई बार होता है कि हम हेयर ऑयल निकालते हैं बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर छोटा सा पॉइंट दिया है, आप जितना आपको चाहिए आप उतना निकालिए, देन उसमें फैलेगा नहीं आपको। कई बार होता है कि हम तेल उल्टा करते हैं, बहुत सारे तेल निकल जाते हैं, कई बार उसमें कैप्स नहीं होती हैं, कई बार कई के तेल हेयर ऑयल में। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। ये देखिए इस टाइप का मैंने लिया हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए इसका मैंने आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने इस हाथ में रब किया और देखिए बिल्कुल भी, मतलब कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। आप इसे एक बार मॉर्निंग में बच्चों के हेयर पे लगा दोगे तो मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने दिन भर मतलब सुबह बच्चे की हेयर में कुछ लगाया भी हुआ है। इतना अच्छा ऑयल, और कि फ्रेगरेंस तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है। कि मतलब हेयर ऑयल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्मेल वाले भी होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों के लिए बना हुआ तेल है तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट स्मेल है इसकी, काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मैं इसको फर्स्ट मंथ से यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के। ये मेरे एक्चुअली मेरे को पता नहीं था कि ये नया नया लॉन्च हुआ है। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ तब मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये वाला हेयर ऑयल, तो मैंने तब से उसके बालों में यही यूज़ किया, मैंने नारियल का तेल नहीं लगाया उसके बाद उसको। तो मेरे जो बेबी के बाल हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, सिल्की हो गए, स्मूथ हो गए काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो नॉर्मल बच्चों के बाल तो काफ़ी, जब बच्चे होते हैं उसके बाद तो बच्चे के बाल वैसे भी सॉफ्ट रहते हैं, पर अगर आप बच्चे के हेयर ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं या अच्छा टेक्सचर करना चाहते हैं हेयर का, तो आप ये वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं इसको 5 out of 5 points दूंगी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रहा। और काफ़ी इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब आप एक बार इसको, मतलब अगर आप भी इसको लगाओगे ना तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। जैसे गर्मी के टाइम पे हम लोग होते हैं, हम लोग जब हेयर ऑयल लगाते हैं तो बहुत घर में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, क्योंकि हमारे को एक तो वैसी गर्मी है इस टाइम पे, फिर अगर हम तेल एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो और ज़्यादा पसीने पसीने आता है। पर इसमें ये चीज़ अच्छी बात है कि हम भी यूज़ करना, अगर मदर्स यूज़ करना चाहती हैं, अगर न्यू मम्मीज यूज़ करना चाहती हैं, मदर्स यूज़ करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। मैं अपने ऊपर भी इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे। नेचुरल बात है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर पोस्ट डिलीवरी का कुछ तो रहता ही है, थोड़ा सा असर रह ही जाता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली मुझे कोकोनट ऑयल थोड़ा सूट करता है ज़्यादा, देन मैं इसमें उसको मिला के यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा है ये। और देन बेबी को तो मैं लगाती ही लगाती हूँ, वैसे तो
आजकल बाजार में कई सारे तरह की वैरायटी के ऑयल्स आ रहे हैं, और नारियल का जो तेल है वो सबसे अच्छा तेल होता है, सबसे बेस्ट तेल होता है। जो मैंने मैंने अपने फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी मोस्टली कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया था उसके हेयर पे, तब ये वाला लॉन्च नहीं हुआ था, तब मुझे पता भी नहीं था कि हिमालय ने ऐसा भी कोई ऑयल लॉन्च किया है नया अभी। पर मैंने इस अभी मैंने बालों को आवश्यकता होती है वो सब इस ऑयल में है, सब इसमें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। आप जब भी सब बताओ परचेज़ कर दिएगा तो मैं जितना मैंने बताया वो सब तो बता है ही इसके ऑयल इस ऑयल में। बाकी आप जब परचेज़ करोगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा पीछे की तरफ में कि क्या क्या चीज़ें हैं इस ऑयल के अंदर। और मैंने ये यूज़ किया है, तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी इसमें साथ शेयर कर दिया है, जिससे कि आपको अगर आप ये हेयर ऑयल परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। देन अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।